चलो भाई देखो, जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें करा था इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा देखो भाई, तुम्हारी बुक के हिसाब से ना, मतलब अगर हम देखते हैं कि तुम्हारी बुक में बहुत सारे टॉपिक है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, या फिर मान के चलो कि देखो फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ये सारे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, देखो सिर्फ एक तुम्हें वर्ड ध्यान रखना है, हमारे पास एक है फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। देखो सुन जाओ भाई, जो हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब होता है प्लस का बैलेंस, ठीक है भाई। फेवर का मतलब है किसी का साथ लेना, ठीक है, तो फेवरेबल बैलेंस हमारे पास प्लस का बैलेंस होता है। भाई इसका अगर उल्टा कर दे, अनफेवरेबल बैलेंस, उसका मतलब होता है माइनस का बैलेंस, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास फेवरेबल का मतलब क्या, प्लस में है, और जो अनफेवरेबल है उसका क्या है, माइनस में, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना, अब जो निकालो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकालो, एक बार उसके क्वेश्चंस करा दो। देखो भाई सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर के अंदर तुम्हें क्वेश्चंस का आना, ठीक है। क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास मान लो आते हैं, ठीक है, तो ये मान लो अच्छा खासा कर जाओगे। लास्ट क्लास वाला सबको वो याद है जो मैंने करवाया था इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और मैंने कहा था जो दूसरा वाला है उसको घर से ट्राई करना, ठीक है। किस किस का नहीं हुआ है घर पे, क्या तुमने, चलो सुनो, अरे देख जाओ एक बार जो है ना इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देख लो, सबका हो रखा है वैसे सेकंड, तुम्हारा हुआ पायल, चलो भाई अरे यहाँ देख जाओ, जो इलस्ट्रेशन हमारे पास सेकंड है, एक बार इसको देख जाओ। सुनो इसमें कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2021, भाई कब की बात चल रही है, 31 मार्च 2021 की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहे कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, भाई इसका मतलब मैंने क्या बताया था, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब हमें कैश बुक ही समझना है, ठीक है। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ राज शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000, भाई डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, प्लस का बैलेंस है इसमें, ठीक है। तो कैश बुक में उसका कितना बैलेंस शो कर रहा है, 49,000 शो कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहे कि हिज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400, ठीक है। देखो भाई बैंक का क्रेडिट बैलेंस का प्लस का माना जाता है ना, ठीक है, और डेबिट बैलेंस माइनस का माना जाता है, ठीक है। मैंने कल बताया था क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या ध्यान रखना, देखो अगर तुम्हारे पास कैश बुक का बैलेंस तुम्हारा डेबिट है, इसका मतलब क्या है, वो प्लस का बैलेंस है, ठीक है। और अगर कैश बुक का बैलेंस माइनस, मतलब कि जो क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, वो माइनस का है, ठीक है। वैसे कभी माइनस का होता नहीं है कैश बुक का बैलेंस, ठीक है। वैसे होने का चाहे तो मतलब कैश कभी माइनस में, तो कैश बुक का में भी हो सकता है, ठीक है। सुनो देखो अगली बात करते हैं, हमारे पास अगर बैंक की बात करें, बैंक मतलब कि पासबुक की या फिर बैंक की स्टेटमेंट की, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है कि क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस का बैलेंस है, ठीक है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस का बैलेंस है, ठीक है भाई। इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तुम कैश बुक वाला याद कर लो, पासबुक का अपने आप याद करो, कैसे होगा उसका उल्टा उल्टा होता है वो, ठीक है। बस तुम कैश बुक का याद रखो, पासबुक का उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लो कैश बुक का अगर डेबिट है तो प्लस है, ठीक है, वैसे ही पासबुक का मेरे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या है कि पास जो मेरे पास कैश बुक है, ठीक है, उसका अगर मेरे पास क्रेडिट है, ठीक है, वो माइनस का, ठीक है, तो उसका मेरे पास क्या माइनस कौन सा होगा, डेबिट वाला माइनस का होगा। तो मैंने देखो बस प्लस माइनस को ध्यान रखना है और कुछ नहीं, एक का याद रखो बस, कैश बुक का याद रखो, पासबुक का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सुनो उसके बाद कह रहे हैं कि जो उसका बैंक स्टेटमेंट है ना वो कितना शो कर रहा है, 37,400। कह रहे कि एंट्रीज इन कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंस वर आइडेंटिफाई। कह रहे कि पासबुक को और जो कैश बुक है, ठीक है, इनको कंपेयर किया गया, ठीक है, पासबुक को कंपेयर किया गया और क्या है, कैश बुक को कंपेयर किया गया है। तो पासबुक और कैश बुक को कंपेयर करने के बाद हमारे पास हुआ क्या है कि नीचे जितनी गलतियां ना वो सारी की सारी सामने आई है हमारे, ठीक है। तो लास्ट की लाइन पढ़ो, कह रहे कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है कि हमें बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो भाई फॉर्मेट बना लो पहले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सुनो तुम्हारे पास क्या भाई, यहां पे पर्टिकुलर आएगा
ये प्लस का और ये माइनस का, भाई कब का मेरे पास एज ऑन 31st, ठीक है, एज ऑन 31st मार्च है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर है फिर जाके मेरे पास है यहां पे प्लस का अमाउंट और यहां पे क्या है माइनस का, सुनो भाई सबसे पहले सुने हमसे क्या, हमसे क्या बोल रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो देखो भाई सबको ध्यान क्या रखना है, यहां देख जाओ एक बार, अगर मैंने यहां पे स्टार्टिंग में लिखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं सिर्फ कैश बुक में चेंज कर सकता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें यहां पे कल दो लाइन लिखवाई थी, ठीक है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने लिया है, इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ कैश बुक में चेंज कर सकता हूं, और अगर मैंने बैलेंस एज पर पासबुक लिया है तो सिर्फ पासबुक के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या लेकर चल रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे है बैलेंस एज पर, कैसे एस रहे हो भाई, कैश बुक, ठीक है। देखो दोनों लिखा हुआ है इसमें, बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिखा है और बैलेंस एज पर पासबुक भी लिखा है, तो मैं जो लिखना है लिख दो, ठीक है। तुम अगर बैलेंस एज पर पासबुक लिखोगे तो सिर्फ तुम पासबुक में चेंज करना है, ठीक है, अगर बैलेंस एज पर कैशबुक लिखोगे तो सिर्फ कैशबुक में चेंज करना है, ठीक है। ये और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सुनो नहीं तुम्हें पासबुक लिखना है वो भी लिख लो, मैं अभी इस क्वेश्चन के बारे में कर रहा हूँ, फिर अगला मैं तो पासबुक से दिखा दूंगा, ठीक है। सुनो भाई देख, कैशबुक हमारे पास पता क्या होता है, जो हम खुद बनाते हैं ना, ठीक है, वो कैशबुक होती है, और जो पासबुक होती है वो बैंक वालों की होती है, जो बैंक की स्टेटमेंट, जैसे मान तू ना तू बहुत सारे खर्चे कर रहा था, बस बहुत सारे पैसे आ रहे, तो बैंक वालों के पास जाएगा ना, ठीक है, तो वो तेरे से बोलेंगे, मतलब तू उससे बोलेगा कि भाई मेरे जो ना मेरे जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, वो तेरे से कुछ पैसे लेके तेरे अकाउंट की स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। जो तेरे अकाउंट की स्टेटमेंट होगी ना, ठीक है, वो क्या करेगा, उसी के अंदर ना तेरे जितने भी खर्चे वगैरह होंगे वो सारे के सारे लिखे होंगे जो तूने बैंक से किए हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे लिखे हुए आते हैं, ठीक है। सुनो भाई देखो, तो मैंने क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भाई कैश बुक का कौन सा, डेबिट बैलेंस है ना, ठीक है, तो अगर मेरे पास डेबिट बैलेंस है तो प्लस का है, ठीक है, तो कितना 49,000, ठीक है, तो कितना भाई हमारे पास 49,000 है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला उसने बोला है कि चेक ऑफ श्याम रुपीज 9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000, ठीक है, एक चेक है 9,000 का, दूसरा है 15,000 का, वर डिपॉजिट इन बैंक, हमने क्या किया उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, बात समझ आ रही है, एक एक चेक था मेरे पास 9,000 का, दूसरा चेक था 15,000 का, बात समझ आ रही है, एक चेक क्या मेरे पास 9,000 का है और दूसरा कितने का है 15,000 का, ठीक है, एक चेक 9,000, दूसरा क्या है 15,000, तो भाई जो मेरे पास एक चेक 9,000 का है दूसरा 15,000 का, मैंने दोनों को बैंक में जमा किया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31st मार्च, उसने बोला वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31st मार्च, ठीक है, मतलब 31 मार्च तक उसको जमा नहीं किया गया है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या, नहीं हुआ है जमा, बस मार रही है, देखो पहले दोनों दोनों बराबर था मेरा, ठीक है, मैंने जैसे ही अपने अकाउंट में, देखो इसको कैशबुक मान लो, ठीक है, इसको पासबुक, ठीक है, तो जैसे ही मैंने जमा किया, ठीक है, तो भाई अच्छा इसको कैश मानो इसको बैंक एक तरीके से, ठीक है, तो मैंने अपने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए होंगे, बस में आ रही है, अच्छा कितने बढ़ाए होंगे, बेसिक कितने 4,000 बढ़ाए होंगे, क्यों, मैंने बोला एक एक चेक है मेरे पास 9,000 का, दूसरा चेक है 15,000 का, ठीक है, उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो मैं अपने कैश बुक को कितने से बढ़ाऊंगा, चौब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सो देखो 15 और प्लस 9, ठीक है, सुनो भाई दोनों पहले मेरे पास था, ठीक है, तो पहले मेरे पास इसको कैश बुक और इसको पासबुक, ठीक है, तो क्या करूंगा भाई, जैसे ही मेरे पास जो कैश बुक है, ठीक है, मैंने जैसे ही बैंक में जमा किया तो ये मेरा बढ़ जाएगा, बस में आ रही है, तो भाई अगर ये मान लो बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ने के बाद अब क्या होगा, मैं भाई मेरे अकाउंट में जमा हुआ ही नहीं है, हमें दोनों को बराबर करना है ना, ठीक है, दोनों को बराबर करना होगा, तो मैं कम किसको करूंगा, इसको कम कर दूंगा, बस में आ रही है,
तो बताओ क्या लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने जमा किया होगा ना, जैसे मेरे पास चेक आया हो, मैं जमा कर दिया, मैं इसको बढ़ा दूंगा, लेकिन भाई बैंक वालों ने जमा नहीं किया। ठीक है, तो भाई बराबर कैसे करूंगा, इस वाले को कम कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस करेंगे हम। ठीक है भाई, क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो मैंने चेक डिपॉजिट किया है बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है भाई, चेक डिपॉजिट किया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ, कितने का चेक था, 24,000 का, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सुनो भाई अगला, फिर मेरे पास क्या कह रहा है, जो दूसरी ट्रांसैक्शन है भाई, साथ में नोट डाउन कर, चलो होते सीधा फिनिश। दूसरा कह रहा है कि रमेश, भाई रमेश का एक डेटर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो ढंग से भाई, बुक में देख जा, सुनो, कह रहा है कि रमेश अ डेटर, ठीक है, कोई डेटर था, डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। सुनो भाई, रमेश मेरा एक डेटर है, ठीक है, मतलब कि मान लो मैं उससे बहुत परेशान हूँ, बंदा पैसे नहीं देता, ठीक है, मैं उसको खूब सुना रखा है। ठीक है, तो अब जिसको खूब सुनाते उसको शर्म आती सामने आने में। ठीक है, तो उसने बताया क्या किया, उसने छुपके से मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब मैं एक दिन जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये पैसे कहाँ से आए। ठीक है, अच्छा देखो, तो रमेश एक बंदा था, ठीक है, तो अच्छा देखता है हमारा डेटर है, तो भाई क्या हुआ कि रमेश हमारे पास एक क्या डेटर था, उसने क्या किया कि भाई सीधा ना, पहले दोनों बराबर थे, ठीक है, उसने छुपके से ना मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो मेरे बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा। बात समझ आ रही है? अगर बैंक अकाउंट बढ़ गया है, ठीक है, तो भाई कैश तो कम है, हम चेंज किसमें कर सकते हैं, सिर्फ कैशबुक के अंदर, कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। बात समझ आ रही है? देखो दोबारा सुनो क्वेश्चन में भाई, तुम्हें ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, करना नहीं, तुम्हें पहले पढ़ के समझ में आना चाहिए, तभी तुम एग्जाम में थोड़ा अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो कह रहा कि रमेश एक डेटर था, ठीक है, उसने डिपॉजिट किया है एक चेक, डिपॉजिट अ चेक ऑफ ₹8,000, उसने लिखा ना डायरेक्टली इनटू द बैंक, डायरेक्ट का मतलब है मुझे नहीं पता, सीधे जमा कर दिया आगे। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या, तो भाई मुझे पता लगेगा कुछ नहीं लेगा, ठीक है, अगर पता लगता तो जमा करता ना अपने में, उसने सीधा मेरे में जमा कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट क्या बढ़ गया। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट बढ़ गया है तो भाई यहाँ पे कैश तो यहीं रह गया, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे हम, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एड, ठीक है, फिर उसका क्या लिखेंगे भाई, एक चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है, या फिर मान लो डेटर, ठीक है, या फिर सिंपल लिख दो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय डेटर। ठीक है, तो यहां पे कर देंगे एड, तो लिखेंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, कितने से भाई, 8,000, तो यहाँ पे 8,000 प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि बैंक हैज क्रेडिटेड, भाई बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट किया है। मैंने हमेशा बताया कि अगर बैंक करता है हमारे पास, बैंक करता है अगर क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, प्लस कर रहा है। अगर मेरे पास बैंक करता है डेबिट, इसका मतलब होता है माइनस कर रहा है। ठीक है, बैंक ने अगर क्रेडिट किया है इसका मतलब क्या, प्लस किया है। ठीक है, और बैंक ने अगर डेबिट किया है तो माइनस किया है। बात समझ आ रही है? तो देखो भाई तीसरा कह रहा है कि बैंक हैज क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, भाई बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला है। भाई मंजीत तुम्हें आ रहा समझ में? देखो बैंक ने क्या किया कि हमारे अकाउंट, जैसे हमारा पूरा अकाउंट पहले बैलेंस था, ठीक है, ये मेरे वही मान लो कैश बुक है, ये क्या पासबुक है। ठीक है, बैंक ने क्या किया कि भाई उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, ठीक है, और क्या कितने डाल दिए, ₹500, तो मेरा अकाउंट बढ़ गया होगा। बात समझ आ रही है? अकाउंट बढ़ गया भाई, बैंक में तो चेंज कर नहीं सकता मैं, क्या करूंगा मैं, कैश बुक को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ऐड कर दूंगा और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा पहले, ठीक है, फिर क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितने से भाई, 500, तो ₹500 ऐड कर दो इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, सुनो अगला कह रहे कि चेक फॉर 10,000, भाई 10,000 का एक चेक था, इशू टू राधेश्याम। ठीक है भाई, इशू का मतलब क्या है, देखो चेक ना हम दो चीज करते हैं चेक के साथ, ठीक है, जो चेक है उसके साथ दो चीजें कर सकते हैं, एक तो होता है मेरे पास डिपॉजिटेड, ठीक है, एक क्या करते हैं हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब होता है हिंदी में जमा करना, ठीक है,
दूसरा मेरे पास है इशू, ठीक है, जो हम इशूट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, एक तरीके से मान लो निकालना, ठीक है, इसका मतलब क्या मान सकते हैं, निकालना। तो भाई सुनो, अगर मैंने जमा किया तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, डिपॉजिट में बैंक का बैलेंस बढ़ता है, ठीक है, तो इशू में क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, बताओ, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोल रखा है, उसने बोला कि चेक फॉर 10,000, 10,000 का एक चेक था, इशू टू राधे श्याम, भाई किसको इशू किया है, राधे श्याम को इशू किया है, ठीक है। कह रहा कि फिर कह रहा है वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भाई अब वो पता कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। देखो सिंपल सा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन है इस तरीके से है कि देखो भाई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि एक ना मेरे पास चेक था, ठीक है, 10,000 का चेक मैंने इशू किया किसको, राधे श्याम को, ठीक है, लेकिन वो अकाउंट में जाकर प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, बस ना रही है। जैसे मान के चलो पहले मेरे पास दोनों बराबर था, ठीक है, मेरे पास जो कैश बुक है और जो पासबुक है, ठीक है, पहले दोनों बराबर था। हुआ क्या कि भाई मैंने एक चेक इशू किया, ठीक है, राधे श्याम को, मैं अपना कैश अकाउंट कम कर दूंगा, मैं समझूंगा ना भाई कैश कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अगर ये कम हो गया लेकिन मैंने देखा भाई पेमेंट हुई नहीं इधर, ठीक है, उसमें लिखा है ना कि मतलब बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो बंदा सुनो देखो पहले समझो, पहले समझ जाओ, उसके बाद देखो मैंने क्या बताया कि भाई एक ना बंदे को मैंने चेक लिख के दिया, ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा मेरे पास से पैसा ले गए, ठीक है, मेरे पास से अगर पैसे चले जाएंगे, ठीक है, तो मैं अपना कैश अकाउंट कम करूंगा, लेकिन वो बंदा चेक लेके बैंक में नहीं गया, ठीक है, बोला कल जाऊंगा आराम से, ठीक है, तो वो क्या है कि 31 मार्च तक नहीं गया, ठीक है, अगर 31 मार्च तक तक चला जाता ना तो पेमेंट हो जाती, ठीक है, लेकिन अगर नहीं गया तो क्या पेमेंट नहीं होगी, बस सुन आ रही है। तो देखो पहले दोनों बराबर थे मेरे पास, ठीक है, बराबर थे तो भाई क्या करेंगे, मेरे पास क्या होगी, जो कैश है ना, जो कैश है वो मैंने कम कर देगा 10,000 से, ठीक है, लेकिन बंदा पेमेंट के लिए नहीं गया, तो मेरा बैंक उतना का उतना ही है, ठीक है, तो क्या करूंगा, कैश बुक एडिट करूंगा ना मैं, तो इसको ऐड कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, चेक इशू बट नॉट क्लियर, ठीक है, इस तरीके से ना, चेक मैंने इशू तो कर दिया लेकिन क्या क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा ऐड, चेक हमने इशू बट नॉट क्लियर, ठीक है, तो भाई कितने का ऐड करेंगे, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 रुपए ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद सुनो अगला भाई, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000, भाई बैंक ने क्या किया, सुन जाओ एक बार छापने के बाद में, देखो बैंक ने क्या किया भाई, बैंक ने किया है डेबिट, ठीक है, कह रहे कि बैंक डेबिटेड द अमाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। भाई देखो इसके अंदर ना समझने वाली बहुत सारी बात है, पहले उसने बोला कि बैंक ने डेबिट किया है, भाई बैंक का डेबिट करने का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना, ठीक है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को माइनस किया है, ठीक है, क्यों किया है भाई, कह रहे कि बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के चक्कर में डेबिट किया है, ठीक है, अभी पूरा समझाऊंगा इसे, कह रहे कि पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, भाई पहले समझो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, मैं तुम्हें याद है मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर मैंने अपने बैंक वालों से बोल रखा भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है, तू मेरे बिजली का बिल भर दिया कर, ठीक है, ऐसा होता है, मैंने उससे बोल रखा है ना, इसको मैंने दे रखी है इंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, किसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हाँ तुम खड़े हो जाओ एक बार, मुझे ना ये बिजली वाला और इंश्योरेंस का छोड़ के कोई और सा बता दो कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाँ भाई सीधा हो जाओ, पहले प्रीमियम वगैरह छोड़ के भाई, एक बिजली का और एक प्रीमियम वाला छोड़ के दूसरा बताओ एग्जांपल, मोटर का बिल, क्या क्या बोलूंगा बैंक वाले से ये बोलेंगे हमारा वाटर का बिल है वो ऑटोमेटिक पेमेंट कर देना। अच्छा ऐसे क्या कंडीशन होगी कि वो सीधा का बिल तो मेरे घर पे आएगा, तो बैंक वाला घर पे आएगा, मेरा भाई साहब बिल आया तेरे पास, अगर मैं ही बैंक जाऊंगा तो मैं जमा नहीं कर दूंगा यार, भैया हम उन्हें कह रखे होंगे ना कि बिल हमें हम जाएंगे उसको बिल देंगे, एक जना को जैसे बिजली का बिल नहीं होता है ऑटोमेटिक पेमेंट कर देगा भाई, सब ऑनलाइन का सीन जाता, ठीक है।
चलो अब तुम बैठो, तुम दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल दो, तुम बोलो बोलो बोलो। मेरे घर में जितने मकड़ी के जाले लगते हैं उतने साफ करने का बिल तुम भर देना, है ना। क्या ढूंढ रहे थे वैसे नीचे? तो उसके साथ बैठ जाओ जाके। थोड़ा समझाया करो, ठीक है, बैठो नीचे अब। सुनो भाई, देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मैंने मतलब क्या बताया, हमने बैंक वाले को बोल रखा है कि भाई तू इस चीज की पेमेंट कर दियो, ठीक है। ये चीज होता है भाई, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बार वर्ड आएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, एक चार्ज, अगर इसमें चार्ज बोलेगा तो चार्ज देना है, ठीक है, मतलब करना है, वरना कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा भाई, जो चार्ज होगा ना वो इसी के अंदर जोड़ देना, ठीक है। जैसे ठीक है, देखो जैसे मान के चलो 9000 का, अगर उसने बोल देना भाई उसने बैंक चार्ज भी लिया है तो 1000 और ऐड कर दो, ठीक है। टोटल कितना माइनस करोगे? 10000 टोटल माइनस करना होता है, बस सुन आ रही है। अगर बोलता है भाई बैंक ने कोई चार्ज भी लिया है तुम्हारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे, मतलब कि चार्ज ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो भाई ये जो मेरे पास क्या है, जो चार्ज लिया है वो भी क्या करेंगे साथ में माइनस करके चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो भाई, क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन में क्या रखा है कि बैंक डेबिटेड द अमाउंट। भाई पता है ना, अगर बैंक ने डेबिट किया तो उसका मतलब उसने माइनस किया होगा, ठीक है। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाई 6000, कितने से किया उसने? 6000 से, बींग इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। भाई किस चीज के चक्कर में? हमारा कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम जाता होगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब पता है किसको? नहीं पता, सुनो। देखो भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान के चलो मैंने अपना इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो वो क्या है कि साल में, 6 महीने में, तीन महीने में एक बार मेरे से पैसे लेने के लिए आएगा, ठीक है। बात सुन आ रही है? जो वो मेरे से पैसे लेने आता है, ये जो अमाउंट मैं देता हूँ उसी को बोलते हैं प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो अब मेरे पास क्या है कि देखो कितने का अमाउंट उसने कम किया है, 6000 का। ये बोलना कि बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6000 बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब देखो तो भाई, सिर्फ बैंक ने पेमेंट कर दी, पहले दोनों बराबर थे मेरे पास, ये कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। भाई बैंक वालों ने क्या किया, पेमेंट कर दी, मेरा बैंक कम हो गया होगा लेकिन मुझे पता नहीं लगा, ठीक है, मुझे पता नहीं लगा। अब क्या करूंगा मैं, कम करूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ कैश बुक में चेंज कर सकता हूँ, पासबुक में नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैश को कम करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लेस कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे कर दो लेस, ठीक है। यहाँ पे लिखो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, ठीक है। भाई बैंक ने क्या किया, सीधा पेमेंट कर दिया, और कितने से, 6000 से, तो 6000 से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। बात सुन आ रही है? अरे ना, इतना कुछ नहीं है। सुनो भाई, उसके बाद अगला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹100 बिंग बैंक चार्ज। भाई देखो, बैंक ने बैंक चार्ज लिया, ठीक है, तो बैंक ने अगर बैंक चार्ज लिया है, थोड़ा सुन जाओ ये ऊपर, देखो अगर बैंक ने बोला है बैंक चार्ज, ठीक है, तो भाई बैंक चार्ज का मतलब क्या समझे, पहले दोनों बराबर थे, ठीक है। अगर बैंक चार्ज होगा, ठीक है, तो भाई बैंक कम हो जाएगा, बैंक ने अपना चार्ज लिया है ना, तो बैंक कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कैश बुक को कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेस बैंक चार्ज, ठीक है, सिंपल लेस कर देंगे, और क्या लिख देंगे, बैंक चार्ज, ठीक है। तो भाई कितने से है, बड़ा कम चार्ज किया है, लगता है भाई मकड़ी का जाला साफ करने का बिल लिया होगा। सुनो भाई, ये हमारे पास लास्ट थी, अब ना दोनों तरफ का बैलेंस करते हैं, ठीक है। सुनो भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले ना, अच्छा देखो, मैं जो लास्ट क्लास में तुम्हें एक बात होती है बैलेंस करने वाली, उसको थोड़ा और आगे देख लो। जैसे मान लो सबसे ज्यादा बैलेंस किसका आ रहा है, प्लस वाले का बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो पहले 49000, ठीक है, फिर करेंगे तो 57 के बाद 67 और 67500, ऐसी है ना,
67500 कितना ही है 67000 और 500 भाई साइड वाले कम आ रहा है ना, इस बैलेंस को हम यही लिखेंगे। अब बात समझ आ रही है, मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, इसी का जोड़ क्या लिखा था ना, ठीक है, हम क्या करेंगे इसी को यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है। तो 67500 सुनो, पहले लास्ट क्लास का मैंने इस मतलब कि इसी को जोड़ के यहाँ पे क्या लिखा था, देखो पता क्या होती है बच्चों के अंदर होती है छोटी सी कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन पर क्या करते हैं वो इसका जोड़ के यहीं लिख दिया, ठीक है, और इस वाले का जोड़ के यहीं पर लिख दिया। अगर जरा खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा है तो बैंक बढ़ेगा नहीं वाला बैलेंस, हमें दोनों को बराबर करना है ना, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, अब ना डिफरेंस जो आएगा ना मैं तो बता दूंगा कितने का आएगा, ठीक है, और तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है डिफरेंस, ठीक है। देखो तो क्या मेरे पास जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ लिख दिया मैंने, ठीक है, जो मेरे पास बड़ा वाला अमाउंट है उसको मैंने दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले में से इसको माइनस कर दो तो 30,100, ठीक है, तो 67500 में से 30,100 कितना आ रहा है, 37,400 भाई। देखना बैंक बैलेंस कितना लिखा है तुम्हारे बुक के अंदर, सेम लिखा है ना, ठीक है भाई, हमेशा ये आना चाहिए, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 37,400। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ऊपर लिखा था मैंने बैलेंस एज पर कैशबुक, नीचे क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बात समझ आ रही है। देखो अगर ऊपर लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैशबुक, नीचे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, भाई क्योंकि हमने क्या किया है, कैशबुक को मैच किया है पासबुक से, ठीक है, पासबुक का नहीं किया मैंने चेंज, किस में किया, कैशबुक में, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैलेंस एज पर पास बुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा बताओ ऊपर डेबिट है नीचे क्या आएगा, भाई जरूरी क्रेडिट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो देखो जैसे बाहर के चलो यहाँ पे माइनस का मेरे पास बैलेंस है, सुनो चलो ठीक है, वैसे ना देखो रट्टे नहीं मारना है कि डेबिट अपने से क्रेडिट आएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुम्हें समझना क्या है कि ऊपर मेरे पास क्या प्लस का बैलेंस है, यहाँ भी क्या प्लस का बैलेंस आया है, ठीक है भाई, माइनस में लिखा है इसका मतलब माइनस का बैलेंस नहीं है, माइनस वाले में कम पड़ा था तो मैंने लिख दिया उसमें, ठीक है। हम ना बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंसिंग फिगर लेके चलते हैं, ठीक है भाई। सुनो अब इसी वाले को हम किसके हिसाब से करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, ये करा दी मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक, भाई इसे कुछ छाप रहे हैं किसी को। देखो अपना हम सेम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक को लेके, ठीक है, लिखना भाई तुम शुरू में, सुनो भाई देखो अपना मैं क्या है सेम क्वेश्चन किससे करा रहा हूँ कि मतलब बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, ठीक है। तो दोबारा बना लो यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। देखो भाई जो मेरे पास अब यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, अब क्या करूंगा इसे बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो वही है हमारा क्या, एज पर के हिसाब से गया, यहाँ पर्टिकुलर है प्लस का अमाउंट, यहाँ माइनस का अमाउंट। सुनो भाई तो देखो अब क्या करेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो बैलेंस एज पर पासबुक, तो भाई पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, यहाँ पे पासबुक का प्लस वाला बैलेंस है ना, ठीक है। तो देखो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हिज बैंक स्टेटमेंट, और देखो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, कह रहे कि ऑन 31 मार्च 2021 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ राज शो डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000, ठीक है। देखो इसका तो क्या है कि जो कैश बुक का बैलेंस 49,000 शो कर रहा है वही है भाई रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर, अरे तो उसी को तो करवा रहा हूँ भाई बैंक के हिसाब से। सुनो कह रहा कि हिज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,000
400। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे कैशबुक पासबुक का बैलेंस। और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, देखो पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो क्या कैशबुक का बैलेंस तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्रेडिट बैलेंस और कितने का है 37,400। सुनो भाई, अब हम क्या समझेंगे, अब हम पासबुक के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, पासबुक का जो प्लस का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, सुनो भाई, सबसे पहला उसने क्वेश्चन क्या बोलेगा, कह रहे कि चेक ऑफ श्याम 9,000, ठीक है, एंड ऑफ मोहन 15,000। ठीक है, एक तो चेक था मेरे पास श्याम का 9,000 का और मोहन का कितने का है 15,000 का। कह रहे कि वर डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट वर, कह रहे कि बट नॉट, एक मिनट, कह रहे कि बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2021। देखो उसने क्या बोल रखा है भाई, कि जो तुम्हारे पास बैंक है, ठीक है, हमने क्या किया, एक चेक था 9,000 का, एक चेक था 15,000 का। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को जमा कर दिया अपने बैंक के अंदर। ठीक है, तो भाई अगर अपने बैंक के अंदर जमा किया है तो खुद सोचो, तो पहले मेरा क्या बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक सिर्फ किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, पासबुक के अंदर। ठीक है, तो पहले मेरे पास दोनों, देखो पहले बराबर थे, मैंने जैसे ये मेरे पास पासबुक का है, ये कैशबुक का है। ठीक है, जैसे मेरे दोनों बराबर हो गए होंगे, मैंने क्या किया होगा, इसको बढ़ा दिया होगा। बात समझ आ रही है, जो मेरा बैंक है बढ़ गया होगा ना वो, भाई बराबर कैसे करूंगा, बैंक को कम कर दूंगा, हम बैंक कम करेंगे क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बैंक को कम। ठीक है, तो कितने से कम, यहाँ पे क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो ऐसे देखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ऐसे हुआ है ना, चेक तो डिपॉजिट कर दिया। अच्छा देखो, हम पता क्या करते हैं, हम बैंक वालों के पास जाके नहीं करते, जो स्टेटमेंट होती है ना उसमें कम ज्यादा करके चलते हैं। ठीक है, फिर जो भी दिक्कत आती है ऊपर नीचे, हम बैंक वालों से बोलते हैं भाई इतने रुपए हमारे अकाउंट में जमा कर दे। ठीक है, जितने का दोनों में अंतर आता ना लास्ट में, उतने रुपए हम क्या करते हैं, बैंक में जाके जमा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लेस करना पड़ेगा ना, जो देखो दोनों बराबर थे, ये बढ़ गया तो हम तो कम इसी कर सकते हैं ना, तो इसको कर दिया लेस। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे, मेरे पास क्या रहेगा कि चेक डिपॉजिट, देखो भाई ऐसा हुआ है, जैसे मान के चलो अभी मैंने क्या बताया, अगर मैं यहाँ पे बैलेंस एज पर कैशबुक लेके चल रहा हूँ तो मैं सिर्फ कैशबुक में बदलूंगा। ठीक है, जो कम ज्यादा करूंगा किसमें करूंगा, कैशबुक में। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या है कि बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलता हूँ तो मैं पासबुक के अंदर चेंज कर सकता हूँ, कैशबुक के अंदर नहीं कर सकता चेंज। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या किया है कि मैंने बताया कि भाई एक चेक था 9,000 का, दूसरा चेक था 15,000 का, मैंने उसको बैंक में जमा किया। ठीक है, लेकिन क्या है, वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो पहले दोनों बराबर थे मेरे पास। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, एक्चुअल में कुछ सोचो, मेरे पास जो है देखो, जो मैंने जमा किया है, ठीक है, तो मेरा पहले बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा, जो मैंने अपना कैश था सब बढ़ा दिया होगा ना। ठीक है, तो भाई अगर मैंने अपना कैश अकाउंट बढ़ा दिया होगा, ठीक है, तो अब क्या करूँ, कैश में चेंज कर नहीं सकता मैं, किसमें करूँगा, बैंक में, तो इसको बढ़ा दूंगा मैं। बस सुन आ रही है, तो क्या करूँगा, एक मिनट, क्या लेस कर दिया मैंने, अच्छा तभी चलो देखो दोबारा समझो, मेरे पास एक था चेक था, एक था 9,000 का, दूसरा था 15,000 का। ठीक है, तो पहले दोनों मेरे पास बराबर थे। ठीक है, तो डिपॉजिट है ना सारा क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए हो गया वो। देखो पहले दोनों मेरे पास बराबर थे, अब क्या हुआ होगा कि भाई मैंने जैसे डिपॉजिट किया तो मेरे पास क्या होगा, मैं सोचूंगा मेरा जमा किया है, तो जो मैंने क्या, मैंने अपना कैश अकाउंट बढ़ा दिया होगा। बात समझ आ रही है, अगर कैश अकाउंट मैंने अपना बढ़ा दिया होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, बैंक को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बैंक को बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं एक बार इसमें चेंज हो गया ना, दोबारा चेंज नहीं कर सकता इसमें। मैंने जमा करते वक्त क्या सोचा होगा, मेरा कैश अकाउंट क्या बढ़ गया होगा। ठीक है, कैश अकाउंट अगर बढ़ गया तो मैं चेंज किसमें कर सकता हूँ, बैंक में कर सकता हूँ, तो बैंक को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, मेरे पास आ गया यहाँ पे ऐड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर, भाई कितने का है मेरे पास, 24,000 का, तो यहाँ कर दूंगा मैं प्लस। ठीक है, 24,000 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। बात सुन आ रही है अली, फिर सुनो दूसरा, कह रहे कि रमेश एक डेटर है, ठीक है, उसने क्या है कि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जाकर पैसे जमा कर दिए हैं 8,000 रुपए। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ होगा भाई, पहले दोनों बराबर है, या सुनो उसने क्या सीधे जाकर मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, मैं चेंज अब बराबर करना है मेरे को। ठीक है भाई, चेंज तो मैं सिर्फ इसमें कर सकता हूँ,
क्या करूंगा इसको बराबर निकले, लेस करूंगा इसको, बस में आ रही है। देखो उसने क्या है कि मेरे पहले अकाउंट में पैसे जमा किए, ठीक है, तो मेरा जो बैंक अकाउंट में बढ़ गया होगा ना वो, भाई मैं बराबर किसको कर सकता हूँ, सिर्फ इसको कम करूंगा ना, तो बैंक अकाउंट में कम कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा लेस, ठीक है, तो यहाँ पे है लेस डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ डेटर, ठीक है, डेटर जमा किया कितना भाई 8000, तो यहाँ पे है 8000, ठीक है। उसके बाद अगला थर्ड कह रहा है कि बैंक हैड क्रेडिटेड, भाई बैंक ने जमा किया है 500 रुपए, ठीक है, एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने क्या किया मेरे अकाउंट में 500 रुपए इंटरेस्ट के डाल दिया, ठीक है, तो देखो पहले मेरे पास दोनों बराबर होंगे, बैंक ने क्या किया, अब ये बैंक है एक कैश है, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया कि भाई मेरे अकाउंट में 500 रुपए डाल दिया, मेरा बैंक बढ़ गया होगा, ठीक है, बराबर कैसे करूंगा, बैंक कम कर दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर बैलेंस है सर पासबुक लेके चलते हैं हम, क्या बैंक का बैलेंस कम कर देते हैं, ठीक है, तो बैलेंस है सर पासबुक लेके चल रहा हूँ, तो क्या करूंगा यहाँ पे लेस करूंगा ना, क्या बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक ने क्या किया भाई इंटरेस्ट को क्रेडिट किया और कितने से 500, ठीक है, तो माइनस करना है ना, तो 500 रुपये माइनस कर दूंगा। अच्छा भाई सुनो, छोटी मोटी गलतियाँ पता बच्चों से कहाँ कहाँ होती है ये समझो भाई, छोटी छोटी बातों से ना तुम क्या कि थोड़ा कोई महान काम कर सकते हो, बोला जाता है वैसे हमेशा, ठीक है, तो देखो है क्या सबसे छोटी बात, तुमने यहाँ बताया जैसे अभी यहाँ पे कर दिया मैंने, मुझे ऐड लिखना था, मैंने लेस लिख दिया, ठीक है, पहले तो गलती ये होती है। दूसरी गलती पता क्या होती है भाई, मैं यहाँ पे लिखता ऐड हूँ, यहाँ पे जाके लेस में लिख देता हूँ जाके, ऐसा हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लेस लिखा, पता है अभी मैं इसको ऐड में लिखने वाला था, ठीक है, तो मैंने इस पर लेस में लिखा है ना, बच्चों से गलती क्या होती है वो क्या है ऐड वाले में लिख देते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये छोटी मोटी गलतियाँ थोड़ा देख के चलना होता है। उसके बाद सुनो अगला कह रहा है कि चेक फॉर 10,000 इशू और टू राधे श्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भाई एक चेक था मैंने राधे श्याम को मतलब कि पे कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया देखो पहले दोनों बराबर थे, मैंने क्या किया एक चेक ना इशू कर दिया, चेक इशू की मैंने अपने कैश बुक कम कर दी होगी मैंने, भाई अगर मैं अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, मैं चेंज किस में कर सकता हूँ सिर्फ बैंक में, तो बैंक को भी कम कर दूंगा, ठीक है, तो क्या करूंगा लेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास लेस कर दिया, और लेस में क्या आएगा भाई चेक इशू बट नॉट क्लियर, ठीक है, चेक इशू बट नॉट क्लियर, ठीक है भाई, कितने का है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 माइनस कर दो, ठीक है। फिर सुनो मेरे पास अगला क्या है भाई, पांचवा कह रहे कि बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000, भाई बैंक ने क्या किया है हमारे अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट करने का मतलब क्या है क्या भाई पहले डेबिट करने का मतलब सुनो भाई, ध्यान का छोटी मोटी बातें बताना चाहिए वरना पूरा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है भाई, बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया है 6,000 रुपये से, क्यों क्या है बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, भाई इसका मतलब बताया था मैंने, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, अब देखो तो बैंक ने क्या किया हमारे अकाउंट को 6,000 से कम कर दिया, डेबिट किया तो कम किया ना, पहले दोनों बराबर थे, ठीक है, उसने क्या किया कम कर दिया, ठीक है, अगर कम किया है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ऐड, ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक कितने से है भाई 6,000, तो यहाँ पे ऐड कर दो 6,000 रुपये। सुनो भाई उसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला है हमारे पास लास्ट का है ना, सुनो कह रहे कि बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 रुपीज बीइंग बैंक चार्ज, ठीक है भाई बैंक ने क्या किया हमारे अकाउंट को कम किया है, ठीक है, पहले दोनों बराबर थे, ठीक है, अब क्या है कम कर दिया उसने, बस सुन आ रही है, पहले दोनों बराबर थे अब क्या है कम कर दिया, चार्ज किया ना बैंक ने, ठीक है, तो बैंक भाई सुन जा, अगर बैंक ने चार्ज किया तो बैंक कम होगा, ठीक है, तो बैंक कम हो गया, ठीक है, बराबर कैसे करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐड बैंक चार्ज,
ठीक है भाई, सबको पहले ये बात पता लग रही है कि मैं बैंक का बैलेंस लेके चलू या कैश का बैलेंस लेके चलू, बात वही पड़ती है। सुनो भाई, दोनों को टोटल करना, इधर देखो इधर का 18,500 आ रहा है, इधर का तो इसको तो लिखेंगे नहीं, ठीक है साल से लिख देते 18,500, इधर वाले का ऐड करो। पहले मेरे पास है 30, 40, 50 कितना पक्का 675,000 भाई, इसमें से माइनस कर दो 675,000 में से 185,000 सात में से 17 में से 8,000 कितना हो जाएगा 9, और फिर कितना है 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है तो कितना 49,000 आ रहा है, ठीक है तो इस साइड कम पड़ा है ना, यहाँ पे देखेंगे 49,000 भाई प्लस का बैलेंस है ना। देखो एक अगली बात तुम्हें और क्या ध्यान रखनी है, देखो सुनो भाई, देखो एक तुम्हें ना इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है, अगर मैं बैलेंस लिख रहा हूँ माइनस में, ठीक है तो इसका मतलब है मेरे पास कौन सा बैलेंस बचा है, प्लस का बैलेंस बचा है, ठीक है मतलब कि मेरे अकाउंट पर कौन सा बचा है बैलेंस, प्लस वाला, मतलब अब यहाँ पर क्या लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश फ्लो लिखूंगा ना, ठीक है तो मेरे पास क्या यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है मतलब कि जो मेरे पास जो बैलेंस है। अच्छा देखो तो मेरे पास प्लस का बैलेंस होगा नहीं, ठीक है यहाँ पे क्या डेबिट। अच्छा सुनो मैं बात क्या बता रहा था, अगर मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा है ना, ठीक है इसका मतलब है प्लस का बैलेंस है, ठीक है अगर प्लस में लिखूंगा तो माइनस का, बताता हूँ क्यों। बैलेंसिंग फिगर कहाँ गया, देखो मेरे पास पहले था प्लस वाला ज्यादा पड़ रहा है ना, ठीक है तो प्लस वाला ज्यादा पड़ रहा है तो इसका मतलब प्लस का बैलेंस है, तभी तो मैंने बराबर करने के लिए माइनस में लिख दिया, ठीक है तो मैंने क्या किया भाई मेरे पास ये कौन सा बैलेंस है प्लस का, ठीक है और अगर नहीं नहीं मतलब कि ना हमें देखना है यहाँ पे पहले दोनों को टोटल करना है, ठीक है टोटल करने के बाद ना जो मेरे पास ना ज्यादा पड़ेगा उसको दोनों लिख देना है, ठीक है कम वाले को माइनस कर देना है, ठीक है जो आएगा उसको जिधर कम पड़ा ना उधर लिख देना है, ठीक है तो मैं देखो छोटी सी बात ध्यान रख के चलने की, अगर मेरे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया किसमें माइनस वाले में आया हम क्या समझेंगे प्लस का बैलेंस है, ठीक है और अगर आया प्लस वाले में तो माइनस का बैलेंस समझेंगे, ठीक है तो मेरे पास कौन सा ये प्लस का बैलेंस है और कैश बुक का प्लस बैलेंस क्या होता है डेबिट, ठीक है बात समझ आ गई है भाई। देखो दोनों बराबर कर दिया मैंने, इससे गया तो इस पे आ गया और इससे गया तो इस पे, ठीक है बताओ ये दोनों बातें क्लियर है। देखो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराया है ताकि एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चलूं या फिर पासबुक का बैलेंस, ठीक है हमारा आंसर क्या एग्जैक्ट आता है, ठीक है बात समझ आ रही है भाई। पता है बहुत सारे लोग क्या है कि ये मान के चलो जो तुम्हारे साथ के जो होंगे, ठीक है वो या तो सिर्फ इसी से करेंगे या सिर्फ इसी से, ठीक है मतलब कि उनके क्वेश्चन में जो लिखा होगा ना वो स्टार्टिंग के हिसाब से करते हैं, तुम्हें क्या दोनों पता है भैया दोनों एक में भी हो सकता है, एक में क्यों होगा यार दोबारा सारा निपट जाना है, तुम क्या चाहते हो दोनों में चेंज करते साथ साथ में। सुनो भाई अगला करवाओ एक बार, सुनो कहीं जाना तो नहीं किसी को, सुनो कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे थोड़ा भाई घर से करना। अच्छा ध्यान रखना ये चैप्टर जिसका छूटा ना दोबारा, वैसे दोबारा हो ही जाएगा रिकॉर्डिंग है लेकिन फिर भी कर लो, ठीक है फायदा उठाओ उसका। अरे नहीं जरा भाई उन लोगों के बारे में सोचो जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, क्यों सुन भाई इस पे आ जाओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, ठीक है भाई तुम्हें ना कुछ नहीं देखना है, ठीक है सबसे पहला लिखना है तुम्हें जो क्वेश्चन फर्स्ट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ठीक है पेज नंबर 13.45 है, सुनो उसके बाद दूसरा टिक लगा लो, तीसरा है, चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा, सुनो भाई बारह तक कर लेना। देखो तुम्हें क्या देखना है क्वेश्चंस देखना है, ठीक है बात सुन आ रही है, क्वेश्चंस देखे देना छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है और सारे सारे हो जाएंगे, ठीक भाई नहीं होंगे तो फिर अभी हम चुनना है वही वाली बात है।